दोस्तों, मुनव्वर फारूकी का एक अनाउंसमेंट हुआ है उनके वेब सीरीज को लेकर, जिसका नाम फर्स्ट कॉपी है, इवन उनके नए ईपी के बारे में भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। फिलहाल कल मुनव्वर स्पॉट हुए थे, बहुत टाइम बाद एक्चुअली में, काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स के साथ। और जब से धमकी मिली है वो तो जेन्युइन था कि धमकी रियल है। थ्रेट जो एनालाइज करते हैं वहाँ से भी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि असलियत में भाई वो कोई ट्रोल नहीं कर रहा था, कोई मजाक मस्ती नहीं थी, सच में धमकी थी वो, और उसको उसी तरीके से लिया भी गया। बट कल मुनव्वर जो है वो भुवन बम की जो वेब सीरीज़ है ताज़ा खबर 2, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पहुँचे थे, प्रीमियर के लिए पहुँचे थे। और वहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि आपकी वेब सीरीज़ कब आने वाली है, जिसके बाद वो क्लियरली कहते हैं कि दिसंबर में फर्स्ट कॉपी आएगी और नवंबर में नया ईपी आएगा। ऑल्दो अब ईपी किस पे बेस्ड है और इस बार की ईपी में कौन से गाने होंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात ज़रूर होगी। बिकॉज इसके पहले लाइक किंग ऑफ डोंगरी हो और तमाम गाने थे जो एक ईपी उन्होंने निकाली थी, मदारी और ये सारे गाने थे जिसमें। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नई ईपी आती है उसमें क्या चीज़ें नई देखने को मिलती हैं और क्या कुछ नया जॉनरा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऑल्दो फर्स्ट कॉपी का भी बहुत ज़्यादा दिल से इंतज़ार किया जा रहा है। रामोजी फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे इस पूरे वेब सीरीज़ को और इसका फर्स्ट शेड्यूल शायद ख़त्म हुआ था, जिसका उन्होंने खुद अपडेट भी दिया था। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि ये सीरीज़ कितना रिस्पॉन्स मतलब जमा कर पाती है ऑडियंस का और कितना ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। ऑल्दो भुवन बम का जो वेब सीरीज़ है ताज़ा खबर 2, वो तो बाहर आ चुका है, आउट हो चुका है और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उसको, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। और एक समय ऐसा भी था जहाँ पर कंपेयर किया जा रहा था मुनव्वर फारूकी के फर्स्ट कॉपी को और भुवन बम की ताज़ा खबर को। बट अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है आने वाले समय में और किसको अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।